स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में। नाउ इट्स बीन आई थिंक अ मंथ दैट आई एम यूजिंग दिस WFC 500 फ्रॉम सोनी। सोनी के सबसे चीपेस्ट एंड सबसे अच्छे भी कह सकते हो आप इन द मार्केट, दैट इज दिस ट्रूली वायरलेस ईयरबड। मतलब सोनी के सबसे अच्छे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मार्केट में इस रेंज में सबसे अच्छे मैं कह सकता हूँ, 4,500 के रेंज में ये आता है। एंड ऑफर के साथ, क्योंकि अभी सेल चल रहा है तो ऑफर के साथ यू कैन डेफिनेटली गेट इट अंडर 3,000। सो ये है वो ईयरबड। अब जब मैं ईयरबड खरीद रहा था, एंड ऑब्वियसली आई मेड अ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट इन माई चैनल, बट फर्स्ट इंप्रेशन से कुछ समझ नहीं आता है कि प्रोडक्ट ऐसा कैसा है। सो एज यू नो बाय द टाइटल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो कई सारे प्रॉब्लम्स है एंड डेफिनेटली दोज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर एक्चुअली परचेसिंग दिस प्रोडक्ट। एंड मैं ये समझ नहीं आता है मेरे को, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ना, आई डेफिनेटली से कि सोनी के प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो लोग जब रिव्यू बनाते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई दे नॉट शेयर द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, क्योंकि अगर वो समझ आ जाए ना तो आपके डिसीजंस बहुत सही होंगे। क्योंकि अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स पहले से पता होते तो माइट बी द केस वुड हैव बीन कि मैं ये कभी खरीदता ही नहीं, सच ही बता रहा हूँ। तो एक एक करके प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, एंड मैंने सारा लिस्ट करके रखा ताकि आपको बताने में कोई मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये ईयरबड कनेक्ट होने में इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 seconds, 10, मतलब 10 seconds के आसपास तो लेता ही लेता है। एंड दिस हैज़ नॉट बीन द एक्सपीरियंस जो मतलब मैं हैबिचुएटेड हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले ये सस्ता वाला बोट का 141 एयर ड्रॉप्स यूज़ करता हूँ, एंड द मोमेंट यू ओपन द लिड विद इन 3 seconds ये कनेक्ट हो जाता है अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है तो। सो दैट इज़ हाउ फास्ट इट इज़, और यू कैन सी कितना स्मूथ है। बट इसका वैसा कुछ नहीं है, इसका कोई मैग्नेटिक फंक्शन नहीं है। दिस ओपन्स व्हेन यू हैव टू पुल इट आउट, और ये बंद होगा, ये जो आवाज़ हो रहा है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ स्प्रिंग मैकेनिज्म, तो ये स्प्रिंग से चलता है। सो वो वाला फील है ना, दिस फील नहीं मिलेगा आपको, ये एक अलग फील देता है भाई। एंड द मोमेंट यू ओपन द लिड इट कनेक्ट्स विद इन 3 seconds। इसका मुझे पता ही नहीं था कि लिड खोलना पर खोलने के बाद ही कनेक्ट नहीं होगा भाई, यू हैव टू एक्चुअली पुल द ईयरबड, तब जाके ये कनेक्ट होगा, एंड दैट ऑल्सो 10 seconds के आसपास ले लेगा। सो इट्स स्लो कनेक्शन, एंड सोनी की तरफ से आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब आई एम पेइंग फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट, फास्टर कनेक्शन, मतलब कुछ है तो जल्दी से कान में लगाओ, एंड द ऑडियो लाउड स्पीकर से डायरेक्ट कान में आ जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन नहीं, चलो 3 seconds में आ जाएगा। सोनी का नहीं आ रहा है, 10 seconds लग रहा है, बोट का आ रहा है, तो भाई क्या फ़ायदा भाई। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो इस लीड को लेके ही है, तो दैट इज द लीड इज क्वाइट हार्ड, मतलब आप इसको एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हो बोट वाला। मैं बोट का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सस्ता है ये, आपको 1,000 rupees के नीचे मिल जाएगा अभी अमेजोन में देखोगे तो, 141 मॉडल नंबर। आप इसको एक उंगली से खोल सकते हो, हाथ भी उंगली से आप खोल सकते हो, देन यू कैन पुल इट आउट। बट ये इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, यू आप खोल ही नहीं पाओ, पकड़ोगे क्या नीचे, पकड़ोगे क्या कि खोलोगे इसको। अगर ऐसा होता फिर भी यू कुड हैव डन इट, बट ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको दोनों हाथ लगते हैं, एंड उसके बाद भी ये काफ़ी हार्ड है, मतलब खोलने से ही नहीं खुलता, यू हैव टू पुट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर। सो ये अच्छी बात भी है, किसी कोई कोई लोग बोलेगा कि हाँ आपका कोई ऐसे खुल के गिर नहीं जाएगा, बट हाँ ये भी कहाँ खुलता है, खुल रहा है नहीं ना, तो बट हाँ सम पीपल विल से कि अच्छी बात है, बट मेरे को ये थोड़ा तो ट्रबल करता है, क्योंकि मेरे को कभी कभी होता है कि एक काम से हाथ से कुछ काम कर रहा हूँ, एंड देन आई पुल इट आउट, एंड एक ही हाथ से आई कैन पुल इट आउट, और ये बंद भी हो गया, और मैं इसको कान में लगा भी लिया, सी विद इन, अब उल्टा भी कर सकता हूँ मैं, सी, बट ये करके दिखाओ एक हाथ से, मैं तो खोल ही नहीं पाऊँगा, तो लगाना तो दूर की बात। सो दैट इज़ वन चैलेंज, अब जैसा मैं हैबिचुएटेड हूँ मेरे लिए चैलेंज है बस। नाउ लेट मी टेल यू कि इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि मेरे को लगा कि ये लेना ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं इस ऐसे टाइप ऑफ ईयरबड्स में। पहला बात ये कि इसका जो पिन है ना, ये बहुत नीचे है तो साफ़ नहीं कर सकते आप, और अगर धूल आ जाता है तो आपका ईयरबड चार्ज नहीं होगा, और आपको लगेगा कि फ़ोन आपका ईयरबड ख़राब हो चुका है। अगर आपका भी ऐसा कोई इशू है कि आपका एक ईयरबड ख़राब हो चुका है एंड दूसरा वाला चल रहा है, या फिर दोनों ही नहीं चल रहे हैं, चार्ज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे शॉर्ट्स सेक्शन में जाओ मेरे चैनल के, वहाँ पे लिखा है हाउ टू फिक्स वन ईयरबड नॉट वर्किंग, वो वाला वीडियो देखो, बहुत लोगों को हेल्प मिला है, आप देख सकते हो। ये वाला है तो ये वाला क्यों खरीदा, तो वो एक पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज़ द कॉल क्वालिटी। जो लो बजट ईयरफोन्स होते हैं, मतलब TWS हो गए एंड ऑल दोस वायरलेस होते हैं, उसमें ना कॉल क्वालिटी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मतलब आप 2000 के अंदर भी देखोगे तो उसमें भी ख़राब कॉल क्वालिटी ही मिलता है। सो जो भी इसका भी इशू था, आप इसमें
इट्स नॉट रिलायबल, आप इसमें कर ही नहीं सकते हो बात सही से, आपको बहुत जोर से क्लियरली बोलना पड़ेगा तब आपको मतलब सामने वाले को सुनाई देगा. सो दैट्स व्हाई आई बॉट इट. एंड इसमें ट्रस्ट मी कॉल क्वालिटी इज़ रियली गुड, बट देयर इज़ अ बिग बट इन हियर. ठीक है, तो बट क्या है? बट अजीब सुन रहे हैं, सुनने में आ रहा है जो भी है. तो बट ये है कि ये आप नॉर्मल मीटिंग्स कर रहे हो किसी के साथ, मतलब ऑफिशियल मीटिंग हो गया या फिर जो भी है आप कर रहे हो सेपरेट रूम में हो, या फिर आप शोर शराबे में भी जा रहे हो ना, मतलब यू आर यूजिंग इट ऑन आउटसाइड, नॉइज है, देर इज़ नो इशू. बट देर इज़ वन इशू जो मैंने फेस किया. जैसे मान लो आप आपके फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, 3-4 लोग हैं, एंड आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हो, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अमोंग देमसेल्व्स, मतलब सिर्फ आपका आवाज़ नहीं आ रहा है मुँह से, बाकी 4-5 लोग भी अपने मुँह से कुछ बोल रहे हैं, तो इट डज नॉट और या फिर इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज कि किसके वॉइस को प्रायोरिटी देना चाहिए. आप यहाँ पे कान में लगा के बोलते रहोगे ना, बाकियों का वॉइस उसको वो ज़्यादा लाउड कर देगा, आपके वॉइस को वो लो कर देगा. तो ये एक चीज़ है जो थ्रू सॉफ्टवेयर अपग्रेड ये कर सकते हैं सही, बट ये एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा. मतलब आई एम इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग गुड राइट, ऑब्वियसली हाँ एंट्री लेवल है तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन 4,500 का है भाई, 4,500 पैकेट में तो इन्होंने 9,000 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हाँ 8,990 MRP लिखा हुआ है, तो भाई इतना तो बनता है भाई. तो फैमिली के साथ मतलब आपके आसपास अगर दूसरे लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा कॉल क्वालिटी नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम दिस डिवाइस. एंड ये सारे प्रॉब्लम्स सेकेंडरी है, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है पता है? इसको यूज़ करने के लिए आपको तो इसको पहनना पड़ेगा बॉस. तो ये मैंने इसको जस्ट नॉर्मली लगाया, यू कैन सी कि ये निकल आया राइट. सो ये है इसका मोस्ट बकवास प्रॉब्लम, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा इसका फिट. एज यू कैन सी ये इन ईयर काइंड ऑफ ईयरबड्स हैं, कान में घुस जाते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दोनों का निकाल के मैं बताता हूँ. ये जो ईयरबड्स है इसका जो डिज़ाइन है ये आपने एक हाथ से लगाया और कान में आपका रह गया, एंड इट विल नॉट फॉल ऑफ, एंड आई थिंक दिस आर द बेस्ट डिज़ाइंस. कान निकाल भी सकते, सब कुछ सही है, लेकिन इसका क्या है, ये दिस इज़ डिज़ाइन बेस्ड ऑन द कैविटी ऑफ योर ईयर. मतलब कैविटी मतलब ये वाले सेक्शन का बात मैं बोल रहा हूँ, मैं लेफ्ट वाला ही निकालता हूँ. ये है लेफ्ट ईयरबड, एंड मेरा आप कान देख रहे हो, इसका साइज़ ये जो एरिया ले रहा है और मेरा जो कान का ये कैविटी है, ये दोनों साइज अगर मैच नहीं हुए तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट परफेक्ट फिट जो मुझे नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी. बहुत ख़राब लगा है ये, बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जितना बोल रहा हूँ मेरे को अंदर से वो अजीब लग रहा है कि इतना पैसा खर्चा हो गया. जो भी है, मेरे को इसको फिट कराने के लिए नॉर्मल ऐसे फिट नहीं कर सकते क्योंकि ये ईजीली गिर जाएगा. मतलब नॉर्मल बात करोगे तो आधा निकल ही आया है, बाकी आधा भी देखा आपने आपके सामने ही निकल गया. सो यू आई कैंट डू दैट. वॉट आई हैव टू डू फॉर दैट परफेक्ट फिट फॉर मी, मैं आपको दिखाता हूँ, हंसना मत ठीक है, प्रॉमिस करो आप हंसोगे नहीं. तो मेरे को कान को थोड़ा खींचना पड़ता है टू इंक्रीज दिस कैविटी, एंड देन इसको डाल लेता हूँ, एंड देन मैं कान को छोड़ देता हूँ. आप मेरे को हाँ ये अब गिरेगा नहीं, बट फिर भी लगता है गिर जाएगा, मतलब आई डू नॉट फील दैट कॉन्फिडेंस इसको यूज़ करके. तो ये एक तो चैलेंज है, अभी बैठा दिया हूँ तो मेरे को लग रहा है कि सही से बैठ गया है, अभी सही है, तो ये अजीब दिख भी रहा है. सो ये अगर आपका कैन बोल रहा हूँ मैं, कान का जो कैविटी है वो इससे बड़ा है, इस साइज से बड़ा है, तो वो रहेगा नहीं, आपके कान से निकल आएगा. और अगर आपका कान कैविटी छोटा है जैसा मेरा है तो ये सही से रहेगा नहीं, बिकॉज योर ईयर विल उसका तो साइज सेम है, वो तो प्रेशर देगा इसके ऊपर एंड वो निकल आएगा फंस करके. तो मेरी बीवी इंद्रानी का कान इससे भी छोटा है, तो उसके लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बाहर लटकता है एक्चुअली ऐसे. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम सोनी. उन्होंने ये साइज़ डेफिनेटली लाखों यूज़र्स का कान एनालाइज करके शेप वगैरह सब कुछ देख के वो उन्होंने एक एवरेज सा साइज़ बनाया है जो सबको फिट आएगा. बट आई थिंक दिस, क्योंकि ये साइज़ इशू एक हो सकता है, आई थिंक सोनी शुड बी एक्सेप्टिंग कि अगर ये आपको फिट नहीं आ रहा है तो यू कैन अवेल अ डिफरेंट साइज़, बट या फिर साइज़ ऑप्शंस हो इसी सेम प्रोडक्ट में तो वो होना चाहिए, बट वो है नहीं, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर मी. और मैं ये दोनों को एक्चुअली, इन दोनों को मैं बाहर बहुत इजीली पहन सकता हूँ बस, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में भी पहन सकता हूँ, बट पहनूंगा नहीं, बट पहन सकता हूँ, बट इनको मैं बाहर नहीं पहन सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस फिट इशू. इसको भी मेरे को लगाने के लिए इस कान को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा भाई, दैट इज़
हाउ डिस्टर्बिंग इट इज़। एंड एक और चीज़, ये अच्छी बात कह सकते हो आप, बुरी बात कह सकते हो, मैं अभी कुछ भी बाहर का सुन नहीं पा रहा हूँ। इट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट नॉइस कैंसिलेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द फिट, क्योंकि यह कान को पूरा सील्ड ऐसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं, मतलब बाहर का कुछ समझ नहीं या सुन नहीं रहा है। तो दोनों को एक साथ आप कभी भी, मतलब मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कभी भी आप बाहर, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ कि कभी भी बाहर यूज़ नहीं करना है दोनों को एक साथ, ठीक है। एक को यूज़ करो, एक कान खुला रखो, नहीं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इतना अच्छा बोल सकता हूँ, बट हाँ उतना लेवल का ये नॉइस कैंसिलेशन कर देता है बिकॉज ऑफ द फिट। तो आई डोंट थिंक ये सब देखने के बाद कोई भी इस प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ेगा, बट फिर भी जिनको तलब है वो आगे बढ़ सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त हैं वो आके टेस्ट कर सकते हैं अपने कान में फिट सही है या नहीं, उसके बाद ले सकते हैं। तो दीज आर द फोर चैलेंजेस, एंड ये सबसे मेजर चैलेंज है फ्रॉम दिस सोनी WFC 500। मैं भाई आवाज़ कैसा है, कॉल क्वालिटी का सब बढ़िया है, लेकिन पहनना तो पड़ेगा भाई, उसके लिए पहन नहीं रहे तो कैसे होगा। सो दैट इज़ द वन थिंग, आप क्या ही बोलूँ आपको, जो भी मतलब एनीथिंग वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, रिगार्डिंग एनी एक्सपीरियंस, आप पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड मैं ऐसे ही मतलब एकदम जेन्युइन एंड रॉ रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरा रोजी रोटी बन चुकी है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट सो दैट आई कैन बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट विच आई रियली वॉन्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, इंस्टाग्राम में आके फॉलो करो, बहुत सारे मस्ती चीज़ें होती हैं वहाँ पर, एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।